नमस्कार, रेडियो द्वारका में आपका स्वागत है। आज हम रेडिसन ब्लू होटल में आए हैं, जहां कला भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन एंड आर्ट्स की ओर से एनुअल आर्ट्स एग्जीबिशन एंड अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया है, जिसका थीम है अनंत की ओर। इस एग्जीबिशन का इनोग्रेशन श्री रामबनजी सुतार के द्वारा किया गया, जो कि एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इस समारोह में चीफ गेस्ट हैं। इस अवसर पर और भी लोग उपस्थित हैं, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके किया गया। आइए आपको इस आर्ट एग्जीबिशन में लेकर चलते हैं। Nithyanandini, one of its kind authentic Kerala Ayurvedic Panchkarma Center in Dwarka. Ayurvedic doctor is also available for consultation. Experience the healing. अब आपको इस एग्जीबिशन में लगाए गए पेंटिंग के कलाकारों से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है इस एग्जीबिशन के बारे में और कला भूमि के बारे में। I'm Purva Sharma. This is my fantastic painting. I made this Lord Ganesha. इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मीडियम्स यूज करे हैं, लाइक चारकोल। ये चारकोल हमने इसमें यूज किया हुआ है एंड सॉफ्ट पेस्टल। दिस इज अ सॉफ्ट पेस्टल। इन दो तरीके से हमने ये पेंटिंग्स को यहाँ पे बनाया है। हमने इसमें लॉर्ड गणेशा दिखाए हैं कि वो एक डांस कर रहे हैं, एक नृत्य के फॉर्म में है। और मुझे कला भूमि में काफ़ी, आज मेरे लिए बहुत बड़ा बिग प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ मिला है। होप फॉर दी बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, कौन मेरी, अगर मेरी पेंटिंग सेल आउट होती है तो डेफिनेटली आई विल बी लकी। एक पेंटिंग करने में कितना टाइम आपको लगता है? सर, मुझे इसको पूरा 1 मंथ लगा है इसको पूरा करने में। काफ़ी मेहनत करी है हमने। हम चाहेंगे आगे भी हमारी पेंटिंग्स ऐसी एग्जिबिट हो, बट आई वुड लाइक टू थैंक्स टू कला भूमि विच गिव मी दिस गुड अपॉर्चुनिटी। थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू असगर सर, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ और मैं इसको अपने आगे करियर में लेकर जाऊँगी। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? गीतांजलि मेहरा। आपके पेंटिंग का थीम क्या है? मेरी पेंटिंग का थीम है कि जो मिरर होता है, जो शीशा होता है, कभी झूठ नहीं बोलता। आप दूसरों को झूठ बोल सकते हैं, बट शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। एक पेंटिंग आप लोगों को बनाने में कितना, मतलब, टाइम स्पेंड करना पड़ता है? 2 to 3 weeks। 2 to 3 weeks में कंप्लीट। हाँ जी। आपका नाम क्या? मेरा नाम शुभम सिन्हा है। आपकी पेंटिंग कौन सी है? मेरी पेंटिंग ये वाली है। इस पेंटिंग का थीम क्या है? मेरी पेंटिंग का थीम है कि थिंक लाइटली ऑफ योरसेल्फ एंड डीपली ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग, मतलब, कितने दिनों से ये पेंटिंग कर रहे हैं? मतलब मैं आवर्स बता सकता हूँ आपको, मुझे अराउंड 40 आवर्स लगे हैं पूरा करने में, एक पेंटिंग करने में। हाँ, 40 आवर्स। हेलो, मेरा नाम सुरुचि है और मैंने यहाँ मधुबनी पेंटिंग बनाई है जो हमारा बिहार से है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मैं चाहती थी कि हम अपना कल्चर शो करें यहाँ कला भूमि में। यहाँ पे मेरे को सारे टीचर्स ने, फैकल्टीज ने काफी हेल्प की है इसको बनाने में।
ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। कलाभूमि में एक जर्नी रही है जो बहुत अच्छी रही है। यहाँ पे मेरे को अपने आप में और क्या खूबियां हैं और क्या खामियां वो देखने में मदद की गई है। और ये पेंटिंग जैसे कि आप देख रहे हैं बिहार की ट्रेडिशनल आर्ट है, मधुबनी पेंटिंग बोलते हैं और मिथिला पेंटिंग भी बोला जाता है। इसमें ज्यादातर बारीक लाइनें होती हैं, कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है इसको बनाने में, साइज पे डिपेंड करता है। बट ऑल इन ऑल ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए। यहाँ पे कलाभूमि ने ये प्लेटफॉर्म दिया है मुझे, जो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ जी एग्जीबिशन। ये एग्जीबिशन में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। ये फीलिंग, ये सब कुछ सब पहली बार हो रहा है और ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के। हाय, मेरा नाम श्रुति है और ये मेरी पेंटिंग है। और पेंटिंग बनाने से पहले मैंने ये सोचा था कि मैं क्या बनाऊं। देन मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि लाइफ इज कलरफुल एंड लाइफ इज मल्टी कलर, सो आई वांट टू शो माय पेंटिंग शोज कलर ऑफ लाइफ, डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइफ। एंड आई यूज द मीडियम स्टेडलर पेंसिल एंड सॉफ्ट पेस्टल। इट टुक 2-3 weeks फॉर मेकिंग दिस। And thanks for Kalaphoomi who gave me the opportunity to show my talent in my paintings. Hi everyone, मेरा नाम शिवांशी बंसल है। इस पेंटिंग में अपना लॉर्ड कृष्ण जी को एक्सप्लेन करते हुए हुआ था कि लॉर्ड कृष्ण जी के और उनकी गौ माता के बारे में, जिसमें हमारे इसमें चारकोल, सॉफ्ट पेस्टल और इसमें पेन वर्क यूज हुआ है, जिसमें हमारा इस पेंटिंग में बनाने में 3 weeks लगे हैं। और जो कलाभूमि हमें अपॉर्चुनिटी दी है इसलिए बहुत बहुत थैंकफुल टू देम, क्योंकि ये रियल किसी और को जल्द से मिलता नहीं है, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा सिंह है और मैं बिहार से हूँ। और ये जो मेरी पेंटिंग है ये कम से कम 4 वीक में कंप्लीट हुई है। और मुझे बचपन से बहुत शौक था और मेरे टीचर्स थे धीरज सर, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया इस लाइन में जाने के लिए। धीरज सर तो आज हमारे बीच नहीं है, बट मेरे को आज उन्होंने बहुत अच्छा एक वे बता दिया जहाँ मैं अपने आप को, आज मैंने पेंटिंग एग्जिबिट किया है और मैं बहुत खुश हूँ। और कलाभूमि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हमें इतना कम समय में इतना बड़ा और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। कलाभूमि का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। और थैंक यू धीरज सर, कि धीरज सर नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। थैंक यू सो मच। ओके, सो माय नेम इज़ रीत एंड मैंने कलाभूमि मेरे को 1 साल हो गया है एंड मुझे एक तरह से न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ के। एंड मेरी स्किल्स आप देख सकते हो कितनी इम्प्रूव हुई है। मुझे बचपन से शौक है बट जैसे जैसे मैं यहाँ पे सीखती गई वैसे वैसे इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है मुझमें। और मेरी पेंटिंग का थीम आप देख सकते हो कि लाइक ये लोग रियलिटी में देखने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर झांकने की कोशिश कर रहे हैं एंड इनमें इनोसेंस दिख रहा है एक तरह से। एंड ये चारकोल में बनी है हमारी। हेलो, माय नेम इज शिखा, दैट्स माय पेंटिंग्स। इसके अंदर मैंने किटी को दिखाया है जो नॉटीनेस, स्वीटनेस एंड क्यूटनेस को मतलब शो कर रही है। इसके अंदर जैसे ये मेरी किटी है वही शूज़ के अंदर है, तो ये एक फ्रीडम के वे में भी है कि ना कोई कोई भी किटी हो कि मतलब कोई भी इंसान हो उसके ना कोई तरह से रोक नहीं हो सकती, वो एकदम फ्री है। ये मैंने किटी के वे में शुरू किया क्योंकि किटी मैंने इसमें इसलिए दिखाई क्योंकि किटी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मेरा फेवरेट पैट है, आई लव किटीज़। सो इसलिए मैंने किटी के वे में दिखाया। और ये मेरी चारकोल पेंटिंग है जिसके अंदर मैंने चारकोल से इसको पूरे को बनाया है। और मुझे पेंटिंग सीखते कम से कम एक ये लगा लो 1 साल ही होता हुआ होगा पेंटिंग सीखते हुए। उससे पहले मैं हरियाणा में रहती थी तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट बचपन से ही था, फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसके बाद मैं यहाँ दिल्ली चली आई अपनी पेंटिंग के जो फैशन है उसको और इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ आके मेरे कलाभूमि में मैंने एडमिशन लिया, यहाँ आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। यार ये मेरी फर्स्ट चारकोल पेंटिंग है एंड आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू कलाभूमि फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सूरज की नारंगी किरणें जैसे ही द्वारका में पड़ती हैं, परमार्थी की टीम उसको सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए निकल पड़ती है। आइए इस प्रयत्न में कुछ कदम आप भी साथ चलें, परमार्थी प्रहरी बनें। मैम, कलाभूमि के एग्जीबिशन में आप आए हैं इनके लिए? कलाभूमि जैसे नाम से लग रहा है कि ये भूमि वो है जिसमें कला उत्पन्न होती है, कला पनपती है और कला दूर दूर तक पहुँचती है। असगर अली जी और उनकी टीम जो कार्य कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है और मैं चाहती हूँ कि द्वारका नगरी और आसपास के लोगों को एक मौका मिला है कि वो अपने अंदर इस कला को जगाएं, क्योंकि अगर जब आप अकेले रह जाएं या आपके पास कुछ करने को ना हो तो टीवी छोड़िए, अपना ब्रश उठाइए और
ब्रश उठाने के लिए हिम्मत चाहिए तो इसलिए पहले कला भूमि आइए, सीखिए ताकि आप कुछ बनाएं तो आपको भी खुशी हो, लोगों को आप अपना बनाया हुआ आर्ट गिफ्ट कर पाएं। मेरी खुद की दिली इच्छा है कि मैं भी इनसे आकर आर्ट सीखूं। श्री राम बंजी सुतार ने कलाकारों को क्या मैसेज दिया और कला भूमि के बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये कला भूमि के अंदर ये अनंत है की, और ये जो वाक्य है बहुत ही सुंदर है। ये कला ऐसी है, ये बढ़ती जाए, ये कभी रुकेगी नहीं, ये अनंत है की, और सही है, इन्होंने जो नाम दिया है बहुत सुंदर है। और हर एक आर्टिस्ट अपना अनंत की ओर यानी प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेस चलते जाए। ये आर्टिस्ट जो ना पीछे देखना है, बहुत आगे भी नहीं देखना है, बस चलते जाएंगे और एक दिन आएगा उनको खुद पता नहीं चलेगा ये कहाँ तक पहुँचे। तो आर्ट का यही है, करते जाओ तो वो सक्सेसफुल जरूर होगी। और जो कतबाएं हैं उनकी पेंटिंग्स को आपने देखा होगा, मुझे क्या नहीं बहुत अच्छा है। हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना जो विचार और नज़र और नेचर में जो दिखाई देता है, नेचर इज द बेस्ट टीचर फॉर आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट के लिए बहुत सोर्स होता है, और वो कहीं भी देखते हैं कुछ ना कुछ वो देखता है, और यही अपने कला के जरिए समाज को दुनिया से कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। कला भूमि के बारे में क्या कहेंगे? कला भूमि बहुत ही अच्छा रैली, ये रैली एक कला भूमि है। ये भूमि के अंदर बहुत सारे बीज डालने से बहुत कुछ आता है, इसी तरह से ये कला भूमि के अंदर जितने आर्टिस्ट है ये बीज समान है, ये आगे चल के बहुत फूल फूलें। अब आपको कला भूमि के डायरेक्टर असगर अली के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं उनको कितना मेहनत करना पड़ा इस पूरे समारोह को ऑर्गेनाइज करने में। देखिए अनंत की और बेसिकली एक ऐसी मुहिम है जो एक छोटे से वो कहते हैं ना एक बीज से स्टार्ट करके हमें पूरा वृक्ष जो तैयार करना है, उसी का नाम कला भूमि है। मतलब भूमि पे कला का विकास, वो हम जो है लास्ट 13 ईयर से कर रहे हैं। और द्वारका में बेसिकली अगर बात करें तो बहुत बड़ा मतलब एक कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है कि हर साल हम करीबन 43-50 के आसपास स्टूडेंट्स तैयार करते हैं जो कि डायमंड शेप्स के होते हैं। उनका 5-6 मंथ तक उनका काम रेडी कराना, फिर एक 5-स्टार होटल में उनको जो है प्लेटफॉर्म देना, साथ में एग्जीबिशन के साथ साथ में कुछ ऐसी एनर्जेटिक चीजें जिससे कि वो पूरे मतलब जैसे कहते हैं ना पूरी दुनिया में अपना एक एक टाइटल बना लें वर्ल्ड गोल्ड होल्डर का, वो हर साल हमारे साथ में जो एक अटैच एक जो प्रोग्राम है जो इस साल भी हम कर रहे हैं। लास्ट टाइम लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, हाईरेज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, करीबन 4 बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है बच्चों ने नाम दर्ज कराया था, और इस बार भी आई थिंक आप लोगों की ब्लेसिंग रहती है तो वो भी जो है चीजें रही। पूरी टीम मेरे पास में मेरे करीबन 8-10 मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे हाथ से तैयार हुए हैं, और करीबन 10-12 साल से जो बच्चे आज बड़े होकर आज वही फैकल्टीज हैं, और जहां से ही अपना करियर उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था आज वो स्टार है। आज जो एग्जीबिशन लगा था इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? ये 43 आर्टिस्ट यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट इन्होंने किया है, और वो अलग अलग स्टेट से हैं, सभी अलग अलग स्टेट से बच्चे हैं। आपने पूरा कार्यक्रम देखा कला भूमि का, जिसमें देश के अलग अलग पेंटिंग के आर्टिस्ट को मौका दिया गया है अपना पेंटिंग दिखाने का, जिसके लिए उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। कलाकार उत्साहित और खुश हैं। इसी तरह देखते रहिए रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।